नमस्कार, वनवन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल और आप देख रहे हैं हमारा बॉलीवुड अपडेट का लेटेस्ट एपिसोड। आज पूरे 60 दिन बीत गए हैं जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी उनके बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में मिली थी। बीते 60 दिनों में काफी कुछ बदल गया। शुरुआती दौर की इन्वेस्टिगेशन में ये कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया, पर जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, जैसे जैसे दिन आगे बीते, तो ऐसे में ये पिक्चर क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं उनकी मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है। ऐसे में कई दिनों से ये बात तेजी से की जा रही है सोशल मीडिया पे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की जो जांच है वो सीबीआई को दे देनी चाहिए। इस केस में कई लोग शक के घेरे में हैं, चाहे वो बड़े बड़े नाम जो उनके डेथ केस से जोड़े गए, कई लोगों को इसमें इंटेरोगेट किया गया, लेकिन मुंबई पुलिस किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंची। और ऐसे में जब लोगों का गुस्सा पहले ही बहुत ज्यादा बॉलीवुड के भाई भतीजे वाद के ऊपर था, मुंबई पुलिस पर भी वो गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा कि किसी बड़े रसूखदार इंसान को बचाने की कोशिश की जा रही है। आज जब 60 दिन पूरे हुए हैं, ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति जो हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला और कहा कि 15 अगस्त को वो एक ग्लोबल प्रेयर जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए करेंगी। और उन्होंने लोगों से अपील करी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ की मांग करें कि इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ऐसे में दबाव जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर भी बढ़ गया है और अब मीटिंग्स की जा रही हैं। इस केस में कई लोगों का किरदार जो है वो अहम है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे फिर वो उनके रूम पार्टनर, उनके जो अपार्टमेंट उनका शेयर करते थे सिद्धार्थ पिठानी हो, कई लोग जो है इसमें शक के घेरे में, पर अभी फिलहाल कोई पुख्ता सबूत किसी के खिलाफ नहीं मिला है। ऐसे में उनकी डायरी भी सामने आई जिसमें उन्होंने अपने आने वाले जीवन के बारे में प्लान किया था और लोगों को ये बात नागवारा गुजरी कि ऐसा इंसान जो जिंदगी से भरा हुआ था, हु वॉज फुल ऑफ लाइफ, वो कैसे सुसाइड कर सकता है। इसी में सीबीआई मांग तेज हो गई है और अब इसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी शामिल हो गए हैं। जी हाँ, वरुण धवन से लेकर कृति सेनन, परिणीति चोपड़ा, कंगना रनौत, सभी लोग इंस्टाग्राम पर एसएसआर के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अंकिता लोखंडे ने भी अपना जो सपोर्ट है वो एक्सटेंड किया, एक वीडियो जारी करी और लोगों से कहा कि फोल्डेड हैंड्स के साथ वो इस चीज़ की मांग करें। कुशाल टंडन जो कि टीवी एक्टर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की मांग की है। इस बात को भी लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा था कि जो बॉलीवुड के बड़े स्टार्स हैं या जो भी स्टार किड्स हैं, उन्होंने अब तक सुशांत के केस में अपनी चुप्पी बनाई हुई है, पर अब ऐसा लग रहा है कि ये जो केस है वो अब बॉलीवुड तक इसकी बात पहुंची है और बॉलीवुड के जो बड़े सितारे हैं वो भी अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एटलीस्ट सुशांत सिंह राजपूत के केस को, उनके फैंस को, उनकी फैमिली को क्लोजर मिले और जो भी सच्चाई है वो लोगों तक सामने पहुंचा दी जाए। आपको बता दें कि जब शुरुआती इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी उसी दौरान कई बड़े स्टार किड्स और बड़े अभिनेता और डायरेक्टर्स को भी ट्रोल किया गया था कि बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। और आपको बताएं कि 60 दिन बाद भी लोगों का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ है। जैसा कि हम सब ने देखा कि सड़क 2 का जो ट्रेलर था वो महज कुछ घंटों में ही मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर ऑन यूट्यूब बन गया। वहीं बिग बॉस सीजन 14 जो कि आने वाला है और उसका प्रोमो हाल ही में रिलीज किया गया था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिग बॉस जो है वो काफ़ी लोकप्रिय है और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में सलमान खान का शो है और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बार बहुत ही सरप्राइजिंगली इस प्रोमो को भी ठंडा रिएक्शन मिला। यानी कि साफ सीधी सी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है उसने एक क्रांति देश में ला के रख दी है और लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि वो स्टार किड्स को बॉयकॉट करेंगे या अब भाई भतीजावाद जो बॉलीवुड में चलता है उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके इस पर क्या राय है, क्या ये बॉयकॉट करना सही है या फिर लोगों को इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक का इंतजार करना चाहिए। ऐसे में जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है उन्होंने जो पोस्ट जारी करी है, हम आपको उसकी एक झलक दिखा देते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सुशांत सिंह राजपूत सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टैंड टुगेदर एंड डिमांड फॉर सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत। We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे request है कि हम एकजुट होकर CBI inquiry की मांग करें।
क्योंकि हमें सच जानने का हक है. थैंक यू CBI फॉर SSR. और लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही हैं कि इसमें CBI जांच होनी चाहिए. बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और ये बात तय हो जाएगी कि अब इस केस की जांच किसके हाथ में जाएगी, क्योंकि बीते कुछ दिनों में मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की खींचातानी की वजह से ये जो केस है उसका डायरेक्शन जो इन्वेस्टिगेशन का है वो बिल्कुल अलग मोड पे चला गया और अब फिलहाल लोग यही चाहते हैं कि फाइनली सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले. आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही. कुछ और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें. डू चेक आउट आवर फेसबुक पेज एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो.